नमस्कार दोस्तों, जागरण हाईटेक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अनिर्बान मेरे कलीग इस वक्त मेरे साथ है और हम चर्चा करने जा रहे हैं उन गाड़ियों की जो 2023 में लॉन्च हो सकती हैं। मैं ऐसे बोलूं बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, अगर समझिए किसी न्यूज चैनल का प्राइम टाइम शो होता तो एंकर कैसे बोलता, नमस्कार स्वागत है आपका और हम बताने जा रहे हैं 2023 के वो बड़े धमाके जो कि हिलाने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्रीज को। लेकिन हम ऐसी कुछ शोर नहीं मचाएंगे, हम आपको आराम से ही बताएंगे कि 2023 में कौन सी वो पांच गाड़ियां हैं। इसी बहाने अनिर्बान की नींद खुल गई है मेरी आवाज सुन के, तो पांच गाड़ियों के लिए वो आराम से गाड़ी, सिर्फ गाड़ियां नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी। यस, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लीन ग्रीन फ्यूचर। और क्लीन ग्रीन फ्यूचर की जब बात होती है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कौन सी हैं जो कि बाजार में आने वाली हैं। कई सारी गाड़ियां तो नहीं कहूंगा क्योंकि जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो अभी भी थोड़ा सोच के आ रहे हैं इसमें, लेकिन जिसने इसकी शुरुआत करी थी इलेक्ट्रिक का गाड़ियों की इंडियन मार्केट में, महिंद्रा, उनकी तरफ से गाड़ी आने वाली है। उसको जिसने आगे बढ़ाया टाटा, उसकी तरफ से गाड़ी आने वाली है। वो कंपनी जो कि काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिक बाजार में काम कर रही है, MG, उसकी तरफ से गाड़ी आने वाली है। तो गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं। शुरुआत हम करते हैं किसके साथ करें, ABCDE? नो, ओके, विच एवर यू फील लाइक। शुरुआत उससे करते हैं सबसे पहले आने वाली है, जनवरी में लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक कार जिससे हमें भी काफी उम्मीदें हैं, वो है सिट्रोएन की तरफ से उतारी जाने वाली गाड़ी। नाम दिया गया उसको सिट्रोएन ई सी थ्री, यानी कि ई से इलेक्ट्रिक और C3 से द कार आइस इंजन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। डिजाइन के मामले में एक एक्सक्लूसिविटी है जो कि आपको C3 में मिलती है। C3 हमने पर्सनली जब चलाई तो हमें बहुत पसंद आई, हमारे जागरण हाईटेक अवार्ड्स में हैचबैक ऑफ द ईयर बनी थी। क्या पता अगले साल इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर भी बन सके क्योंकि इस गाड़ी में कैपेबिलिटीज हैं। द कार इज वेरी वेल मेड, दिस इज नॉट अ बॉर्न इलेक्ट्रिक कार, बट स्टिल व्हेन दिस कार वाज कंसीव्ड, जब C3 को बनाया गया था तब इलेक्ट्रिक पूरा इंजीनियर्स के दिमाग में था, तो उसी तरीके से उसको ग्राउंड अप तैयार किया गया है। इसका फायदा लोकलाइजेशन, इसका फायदा कम कीमत, और ये सोच के गाड़ी को तैयार किया गया था। वो जो वेंडर नेटवर्क क्रिएट किया गया जब इस गाड़ी को बनाया गया तो लोकलाइजेशन पर बड़ा फोकस किया गया था, इसका फायदा इस गाड़ी को मिलेगा। अब फायदा होगा तो क्या होगा, कीमत कम, और कीमत कहां तक जा सकती है, अंदाजा 10 से 12 लाख के बीच में इसकी कीमत होगी, पर हमारा ये मानना है कि 10 लाख से नीचे इसकी कीमत होगी। एक प्रीमियम हैचबैक है जो कि 10 लाख से कम की कीमत में इलेक्ट्रिक अवतार में बाजार में आने वाली है। जो इकलौती गाड़ी और इस मैदान में मौजूद है वो है टियागो ईवी, जिसका पूरा रिव्यू आप हमारे जागरण हाईटेक चैनल पर देख सकते हैं। जो टियागो ईवी है अनिर्बान, वो 8,50,000 की कीमत से शुरू होती है, 11.5 लाख तक जाती है। तो सिट्रोएन की जो C3 है उसी ओवरऑल डायमेंशन में आती है, उतना ही स्पेस आपको C3 में मिलेगा। C3 देखने में ज्यादा बेहतर है, एक SUV-ish फील है जो कि आपको इसमें दिखेगा, जो कि आपको पंच में दिखाई दे सकता है, वैसा कुछ आपको C3 में दिखेगा, एक्सक्लूसिविटी C3 में दिखेगी। और अगर टाटा जहाँ पे उतार रहा है 8.50, 8.5, अगर उसके आसपास उतारता है 50,000 के ऊपर की कीमत पे, यानी 9.5 की तरफ जाऊंगा, तो सिट्रोएन की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, आपकी टाटा की गाड़ियों पर इस वक्त नज़र है, तो ज़रा रुक जाइए सिट्रोएन की इस गाड़ी को। दिस इज गोना बी एक्चुअली अ गेम चेंजर कार, इफ आई मे से सो, फॉर ईयर 2023। इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन अनिमान अगर आप हमारे दर्शकों के साथ बांट सकें, किस तरह की बैटरी है जिसका इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आप लेके चलिए 20 से 25 किलोवाट आवर जैसी इस रेंज की गाड़ियों में यूज होता है। 30 किलोवाट की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैटरी जिसका इस्तेमाल हो रहा है, 30 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नेक्सॉन की रेंज में चली जाएगी, बट 25 के अराउंड हो सकती है। जैसा हमने टिगोर या टियागो में देखा है, रेंज लगभग 300 तक जा सकती है गाड़ी, काफी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, लुक्स काफी हद तक C3 से मिलते जुलते होंगे, बट कुछ इलेक्ट्रिक क्यूज हम देख सकते हैं डिजाइन एलिमेंट्स इस गाड़ी में। यानी अभी ना खबरें हैं, अनिर्बान ने जो बताया शेयर किया वो भी खबर है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो भी खबर है। तो हो सकता है 25 तक किलोवाट की बैटरी हो सकता है एक 30 किलोवाट की बैटरी हो, ऑप्शन आ जाए जिसको 86 BHP की पावर हम उम्मीद कर रहे हैं जिससे मिल सकती है, और करीब 300 Nm का टॉर्क, उस वैल्यू चेन पे एक गाड़ी उतारी जा सकती है। एंड दैट मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग कार, क्योंकि वो हर पैरामीटर में फिर जो उसके कंपटीशन में ठीक साइड में गाड़ी मौजूद है उससे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। 50,000 अगर 60,000 की कीमत में फ़र्क में गाड़ी मिलती है तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग गेम चेंजर। और
इस गाड़ी की वजह से बाकी गाड़ियों पे भी प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी लाएंगे उनको भी फिर सोच कर गाड़ी उतारनी है। यानी जनवरी का महीना इलेक्ट्रिक बाजार में गर्मी, ऑटो एक्सपो से पहले ही ये गाड़ी है जो कि आपको नजर आने वाली है फुल डिटेल्स के साथ। काफ़ी डिटेल हमने आपको दे दिया, देखिए कैसे वो आप इस वक्त आपको देख रहे हैं, बिल्कुल सी थ्री है, कुछ एक्सटीरियर में हल्के फुल्के चेंजेस हैं जो आपकी आपको नजर आने वाले हैं। दूसरी गाड़ी आने बाद C3 के बाद कौन सी है? आई थिंक महिंद्रा की तरफ जाना चाहिए, जिस मैन्युफैक्चरर ने ये इलेक्ट्रिक का जर्नी शुरू किया था exactly. मार्केट में। एंड इस गाड़ी को भी हमने चलाया है, इनके टेस्टिंग प्लांट में पुणे में गए थे, फील वाज गुड। XUV 400 नए मॉनिकर के साथ, बहुत सारी इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं 2024-25 में, बट 400 को कह सकते हैं 300 का मेकओवर प्लेटफॉर्म है। सैंगयोंग ट्रिवोली पुरानी गाड़ी उसी को करके 4.2 मीटर लेंथ गाड़ी, देखने में एज सेम एज 300, लेकिन चलाने में तो मजा आया था। आपने चलाया था चलाने में, बीइंग एन इलेक्ट्रिक ना द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन दैट यू गेट इट वाज रियली अ क्विक कार। और हमने इसको महिंद्रा के जो प्रूविंग ग्राउंड्स है वहां पर हमने टेस्ट किया था और यकीन मानिए मजा आ गया था। सो वी कुड बी प्राउड ऑफ द कार दैट इज बीन मेड आउट ऑफ। और बहुत ही उम्दा गाड़ी है, चलाने में बड़ा मज़ा है, इसकी राइड एंड हैंडलिंग शानदार है, क्विक पिकअप है, एक्सेलरेशन अच्छा है। रेंज के मामले में हम उस वक्त टेस्टिंग नहीं कर पाए थे, बट हमें जो क्लेम रेंज है वो 450 से ज़्यादा, और अगर 450 नहीं भी आते हैं तो 300-350 तक अगर ये गाड़ी रेंज निकाल पाती है, इट्स अ विनर ऑल द वे, क्योंकि इट्स अ स्पेशियस कॉम्पैक्ट SUV दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और वहाँ पर इसका कोई कॉम्पिटिशन मौजूद नहीं है, इकलौता जो है वो एस्टर होगी जो बाजार में ZS EV जो है, मतलब अच्छे से प्लग इन करती है ZS EV और Nexon EV Max के बीच में, हाँ, उन दोनों के बीच में जो स्लॉट है, और एक अलग सी यूनिक अपील भी है जो कि आपको महिंद्रा की गाड़ी में आजकल दिखती है। दे हैव बिकम वेरी स्टाइलिश, दे हैव बिकम अर्बेन इन देयर नेचर, सो दैट अर्बेन क्वालिटी इज देयर इन दिस महिंद्रा। इट इज नॉट दैट ओल्ड स्कॉर्पियो थार दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट अर्बेन प्रीमियम फील, तो वो फील आपको यहाँ पर नजर आएगी। हाँ, इंटीरियर से मैं थोड़ा सा उस वक्त नाखुश था क्योंकि और कर सकती थी और बहुत कुछ कर सकती है। अब पता नहीं कंपनी ने हमें जब हमने गाड़ी टेस्ट करी थी दैट वाज ए प्री प्रोडक्शन कार, अब हो सकता है कि बहुत सारी तब्दीलियां जो हमने फीडबैक दिया उसके बाद बदल जाएं, तो अगर इंटीरियर में थोड़ा और काम होता है तो इट्स अ सुपर डुपर प्रोडक्ट। तो महिंद्रा की XUV 400 दूसरी इलेक्ट्रिक कार है जो कि हमारे रडार पर है इस वक्त और साल 2023 को बड़ा ही इलेक्ट्रिक बनाने वाली है। तो सिट्रॉयन की C3 और महिंद्रा की XUV 400 के बाद तीसरी गाड़ी जिसमें नजर होगी वो है MG Air हवा, वेरी इंटरेस्टिंग। इस गाड़ी को आप इस वक्त वीडियो में देख सकते हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है। ये जो हम यूजुअल गाड़ियां बाजार में देखते हैं फोर सीटर या फिर फोर डोर, ये वो नहीं है, ठीक है, दिस इज अ थ्री डोर, दिस इज अ टू सीटर। तो गाड़ी छोटी है, ऑल्टो जितनी साइज की गाड़ी है, यानी कि इसमें बैटरी भी होगी छोटी होगी, 20-25 किलोवाट वाली बैटरी जो कि इसमें इस्तेमाल होगी। इसमें अर्बन कार 200-250 की रेंज, 200-250 की प्राइस इफेक्टिव पॉइंट पे, और अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये गाड़ी बाजार में बिकती है ग्लोबल मार्केट में, नाम है यूलिंग। तो चाइना की तरह मत जाइए, एक ब्रिटिश ब्रांड है, आपको वही याद आ रहा है ना, नो, दिस इज ब्रिटिश ब्रांड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वूलिंग के नाम से इलेक्ट्रिक गाड़ी मौजूद है। G20 समिट में आपको ये दिखेगी, और यस मैस्कॉट कार, तो इसका भी इंतजार है। इट विल ऐड, मुझे याद है महिंद्रा इलेक्ट्रिक नैनो ना, इट कुड बी एन इलेक्ट्रिक नैनो E2 याद है आपको, जहाँ से महिंद्रा ने शुरुआत करी थी वहाँ भी कुछ ऐसा ही अवतार था, राइट, रेवा ने जब लाए। तो दिस विल बी अ फन कार टू लुक एट फॉर स्मॉल कम्यूटिंग, यानी कि कीमत कम होगी इसकी, ऐसा हमें अंदाज है। चौथी जो गाड़ी है वो है बहुत नीचे से नीचे, आप ऊपर चलते हैं थोड़ा सीधा फटाक करके ऊपर चलते हैं, पर BMW मर्सिडीज ऑडी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक और मैन्युफैक्चरर जो कि उस रेंज में एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ घुस रहा है। जी हाँ, आप 70-80-1 करोड़ की गाड़ी ना लेने चाहे लेकिन उसी फीचर्स उसी प्रीमियम क्वालिटी के साथ अगर 50-60 में आ जाए, यही काम इस वक्त आयोनिक ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कर दिया है। गाड़ी आप इस वक्त देख सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन द वर्ल्ड। मुकाबला जो होगा यहाँ पर वो होगा EV6 के साथ किया की, अब लोकलाइजेशन होगा किस तरीके से, कितने यूनिट एलोकेट होंगे, इस सब पर जानकारी हम आपको आने वाले टाइम पे बताते रहेंगे। ऑटो एक्सपो पे ये गाड़ी पूरी तरीके से बाहर भी आ जाएगी और वहाँ पे शाहरुख खान भी साथ में होंगे इसके, तो और मज़ा आएगा। तो आयोनिक की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, इट्स अ फैंटेस्टिक कार, इंडियन रोड्स पे इस गाड़ी का इंतज़ार है। कीमत होगी
जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं, बैंड में पढ़ सकते हैं, इस कीमत के बाद ना ये EV6 के लिए भी मुश्किल पैदा करता है, और साथ में ये मुश्किल पैदा करने वाला है BMW, Audi, Merc, Lexus जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक विनिंग प्रपोजिशन मिल रहा है। में यहाँ पर आपको प्रीमियम, आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंटीरियर्स आर फैंटास्टिक, एक्सटीरियर पे आप नज़र डालें, माइंड ब्लोइंग, और रेंज देखिए, ये रेंज किसी की भी रेंज एंग्जाइटी को उड़ाने के लिए काफ़ी है। 400 से ज़्यादा की रेंज की हम बात ऑलमोस्ट 500 की रेंज है, एंड दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग कार। मिनिमलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल क्लीन लाइंस हैं, बट अ फ्यूचरिस्टिक अपील के साथ, रेंज के साथ परफॉर्मेंस, आप मतलब रेंज के साथ परफॉर्मेंस, एंड दैट्स व्हाट मेक आयोनिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार टू लुक फॉरवर्ड इन 2023। चार गाड़ियां फॉर अस, कब ड्राइव करेंगे? यस, क्योंकि जो बाकी गाड़ियों की हमने बात करी, वो गाड़ियां वॉल्यूम के लिहाज से मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, पर ये गाड़ी हम जैसे एंथुसियास्ट के लिए ऑन रोड जाने के लिए, ट्रैक पे जाने के लिए बहुत एक्साइटिंग है। दिस इज अ फैंटास्टिक कार, एंड लेट्स सी कि इस गाड़ी को किस तरीके से इंडियन मार्केट में लिया जाता है। किया को तो बहुत हाथों हाथ लिया गया, तो उम्मीद है कि आयोनिक को भी उसी तरीके का प्यार और मोहब्बत इंडियन कस्टमर से मिलेगी। सर, लास्ट गाड़ी में जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब हमने पिछले 2 साल में जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखी हैं, एवरीथिंग हैज बीन लग्जरी स्पेस, बट इस बार डिस्कशन हो रहा है आप मैं खरीद सकते हैं बजट स्पेस पे। एग्जैक्टली, सो प्राइस इज कमिंग डाउन, और प्राइस जब नीचे आती है तो लास्ट कार, लास्ट मैन्युफैक्चरर, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट टाटा, क्योंकि ये वो कंपनी है, और इस अगेन गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब जापनीज, कोरियंस, जर्मन्स, फ्रेंच, इन सब ने नहीं सोचा, तो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर ने सोचा दैट दे हैव टू ब्रिंग आउट। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा, और उन्होंने नेक्सॉन के साथ वो करके दिखाया। उसके बाद टिगोर से कहानी आगे बढ़ाई, अब टियागो के साथ स्टैंप लगा दिया है, और इसके बाद पंच मारने वाले हैं, पंच के साथ। जी हाँ, वो पंच आपको मिलने वाली है साल 2023 में, और ये जो पंच होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्शन पैक एसयूवी। पंच ने बाजार में आपने देखा कि क्या करिश्मा की है, उसने कॉम्पैक्ट एसयूवी और प्रीमियम हैचबैक दोनों को खा लिया, वही काम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में करने वाली है, जब वो खाने वाली है जो गाड़ियाँ ऊपर और नीचे मौजूद हैं। ये और बात है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ टाटा की गाड़ी सब मौजूद है, क्योंकि नेक्सॉन आ जाएगी या फिर ऑल्ट्रोस आ जाएगी इसके कंपटीशन में। फ़ायदा ये है कि एक नेटवर्क है जो कि क्रिएट कर लिया गया है, बैटरी वही इस्तेमाल हो सकती है जो कि ऑल्ट्रोस में इस्तेमाल हो रही है, यानी कि रेंज आप 300-350 की मान सकते हैं। तो पैकेजिंग इज ऑल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि टाटा का जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है वो बहुत बढ़ने वाला है। नेक्सॉन उसके पास मौजूद है, प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर मैं बात करूं, टियागो मौजूद है, टिगोर मौजूद है, अब एक पंच और आ जाएगी, तो चार गाड़ियां तो ये इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पूरा का पूरा टाटा का रेडी है। ऑल्सो एल्ट्रोस का भी लास्ट टाइम हमने देखा था, बिल्कुल मॉडल शायद इस ऑटो एक्सपो में भी कैन सी द प्राइस। पांच गाड़ियां, पांच का जो दम है ना वो दिखने वाला है आपको टाटा की तरफ से। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो टाटा के पास है, नंबर दो मैन्युफैक्चरर बन चुका है टाटा, और अगर टाटा इस तरीके से आगे बढ़ता रहा तो कहाँ जाएगा, किसकी वॉल्यूम में सेंध लगाएगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, राइट नाउ टाटा इज डूइंग फैंटास्टिक एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर कार्स। तो ये पांच गाड़ियाँ हैं जो कि आपको वी आर एक्साइटेड अबाउट, आपको जानना चाहिए। आप और किस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, बुरा लगा तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्यार बांटिएगा। तो हमें आपके कमेंट्स और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा साल 2023 के लिए। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, एक्साइटिंग रहे, एक्सेलरेटिंग रहे, यही हमारी दुआ है। नमस्कार।